हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ रोहित गुप्ता वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है जैसे कि रिसेंटली 2022 में सितंबर मंथ में जो एलडीसी और उर्दू टाइपिस्ट एंड असिस्टेंट की जो वैकेंसीज निकली थी काफ़ी कैंडिडेट ने इसके लिए एप्लीकेशन भी फॉर्म फिलअप किए थे और वेट कर रहे थे इसके एडमिट कार्ड की कब आएंगे एडमिट कार्ड कब आएंगे कोई भी आपको एग्जाम डेट नहीं बताती तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक अपडेट लेके आए हैं और आप बताएँगे कब से कब तक इसकी एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेगी एग्जाम कब कराया जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा सारी जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को क्या कर देना है कम्प्लीट देखना है और लाइक करें वीडियो को मैं जानकारी देता हूँ सारी इस वीडियो में बाकी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज जो हमारा चैनल है बेनिफिशियल कंटेंट प्रोवाइड करता है डेली बेसिस पे साथ ही उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है वैकेंसी रिलेटेड जो कि दिक्कत परेशानी आपको कोई भी समस्या ना आए तो क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ़ प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज की जो वैकेंसीज थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडवर्टीजमेंट नंबर जीरो दो दो हज़ार ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके या फिर ऑफलाइन मांगे गए थे तो काफ़ी कैंडिडेट ने ऑफलाइन एप्लीकेशन दिए थे तो इसके वो एडमिट कार्ड है वो भी ऑफलाइन ए हैं तो ये सभी पोस्ट थी जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी की पोस्ट का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड के ऊपर एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो रखी गई हैं एल की पोस्ट की लोअर डिविज़न क्लर्क की पोस्ट की दो तो वैकेंसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी इसके फॉर्म वगैरह अगर आपको अभी तक भी नहीं पता चले तो मैं आपको एक टाइम दिखाता हूँ कि इस दौरान इसके फॉर्म फ़िलअप किए गए थे और ऑलमोस्ट आपने इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया होगा जिसमें आपकी फ़ीस वगैरह भी मांगी गई थी तो जैसे डेट दे सकते हो अठारह नवंबर से लेकर पच्चीस नवंबर दो हज़ार अठारह से लेकर पच्चीस सितंबर दो हज़ार बाईस तक के दौरान इसके फॉर्म फिलअप किए गए थे चलते हैं अपनी एडमिट कार्ड की डिटेल्स के ऊपर बाकी एडमिट कार्ड की जो जो फोटो है इसमें मैंने सारी डिटेल्स हाइड कर दी है कैंडिडेट की जिससे कि कैंडिडेट को कोई भी परेशानी ना है अपने सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड तो ये वैकेंसी है काफ़ी कैंडिडेट के आ चुके हैं तो काफ़ी लोगों ने सेंड भी किया है मुझे व्हाट्सअप पर अपना जो भी एडमिट कार्ड है तो जैसे कि आप देख सकते हो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ़ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो कि दो की जो भर्ती थी जिसमें एल की पोस्ट का जो फिर एडमिट कार्ड है यहाँ पर आपका नाम होगा आपके घर का एड्रेस होगा आपके फादर्स का नेम होगा बारह मार्च को सुबह ग्यारह एम पर आपको रिपोर्ट करना होगा या आपका एग्जामिनेशन टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम टेन एम का दिया गया है तो दस बजे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एकदम करेक्ट होना ही होना है एग्ज़ाम टाइम आपका ग्यारह बजे दिया गया मतलब आपका ग्यारह बजे से फॉर्म जो पेपर वगैरह है स्टार्ट हो जाएगा और बारह मार्च के दिन आपका पेपर कराया जा रहा है तो बारह मार्च तक आप अपना तैयारी रखें और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आपने इसके लिए अप्लीकेशन दिया था तो अच्छी बात है आपका जो भी एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुके हैं <coughs> बाकी वेट कर सकते हैं आप अपने एडमिट कार्ड के लिए और अपने पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है डी पब्लिक स्कूल प्लॉट नंबर थ्री पॉकेट थ्री जसोला नियर जसोला शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली डबल वन डबल ज़ीरो टू फाइव तो जो न्यू दिल्ली की वैकेंसी है तो न्यू दिल्ली में आपका जो भी है इस तरीके से आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा बारह मार्च दो इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है एग्ज़ाम टाइम एलेवन एम का है और आपकी रिपोर्टिंग टाइम आपका टेन एम का देखने को मिलता है तो बाकी आप आशा करता हूँ सभी की जो जानकारी होगी इस वीडियो से रिलेटेड चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन सारी इन्फॉर्मेशन पाते हैं वहाँ पर तो जो मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखाया एल डी सी की पोस्ट थी एक जनरल के लिए वैकेंसी थी और एक ओ बी सी के लिए वैकेंसीज थी तो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है अपनी तैयारी में लग जाए एग्जाम वगैरह मैं डिटेल में सारी चीज नेक्स्ट टाइम पैटर्न जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और ऑलमोस्ट जो भी एल डी सी की वैकेंसी थी टेंथ पास लेवल पे थी तो टेंथ लेवल पर जो वैकेंसीज रहती हैं उनका जो लेवल है एग्जामिनेशन का बहुत ही लो रहता है लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं तभी आपकी आप जो मेरिट लिस्ट है हाई जाती है आपकी टेंथ पास लेवल पर जो वैकेंसीज होती हैं एल डी सी वगैरह की तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी गई थी तीस वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में मांगी गई थी तो इंग्लिश में तो तीस वर्ड पर मिनट आपको ज़्यादा कोई ज़्यादा स्पीड नहीं मांगी गई है ठीक ठाक स्पीड है कोई ज़्यादा स्पीड इसमें रिक्रूटमेंट में नहीं रखी गई है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन जरूर दे दें और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है लेवल टू की सैलरी है और नई दिल्ली में भर्ती है तो आपको पता ही है नई दिल्ली की आपके जो भी अलाउंस वगैरह है काफ़ी डी ए टी हैचारे एक्स सी टी के हिसाब से आपके ऐड होते हैं और आपकी अच्छी खासी लेवल टू में तैंतीस चौंतीस हज़ार के करीबन आपकी इन हेंड सैली आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन दिए हैं अच्छी तैयारी करके अपने एग्जाम के लिए लग जाएँ और अब आशा करता हूँ जिसका एग्जाम पैटर्न है काफ़ी कैंडिडेट को वन में कन्फ्यूजन थी एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जितने व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं आपको इस वैकेंसी रिलेटेड आपको अदर्स डिटेल्स हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी साथ ही वाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर अभी ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाएँ लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो